नमस्कार भक्तों, कांवड़ यात्रा 2021 की बहुत ही बड़ी खबर मेरठ और दिल्ली से। यहां दोस्तों मेरठ जोन से कोरोना काल में कांवड़ यात्रा की बड़ी चुनौती, गोपनीय योजनाएं तैयार। यहां दोस्तों कौन कौन सी योजनाएं तैयार हैं और इसके आदेश कब आएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख ले। अगर आप शिव के पक्के भक्त हैं तो अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु को इसकी पूरी जानकारी हो सके। तो भोले के नाम पर इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अब आपको देते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले आप हमें कमेंट्स करके बताइए आप किस जगह के निवासी और कहाँ की आप जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको उस राज्य शहर की पूरी जानकारी देंगे। मेरठ जोन से कांवड़ यात्रा की चुनौती गोपनीय योजनाओं से तैयार हो चुकी है और इसका आदेश 20 जून के बाद आने का इंतजार है। बीते साल 2020 में इसे पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया था। हर जगह कांवड़ यात्रा को पूरे देश में स्थगित कर दिया था, लेकिन सरकार ये 2021 में नहीं चाहती कि इस साल भी कांवड़ यात्रा को रद्द किया जाए। कोरोना संक्रमण के कारण समय में कांवड़ यात्रा भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने गोपनीय तरीके से प्लानिंग शुरू कर दी है। अफसरों की कई राज्यों से पदाधिकारियों से बातचीत हो चुकी है। कांवड़ यात्रा के बीच में पड़ने वाले सोमवार भी लिस्ट तैयार की जा रही है, क्योंकि इस दिनों में मंदिर में जल अभिषेक होने पर विशेष भीड़ रहती है। अब पुलिस और प्रशासन सरकार की गाइडलाइंस का क्या इंतजार कर रहे हैं, आने वाली जून के आखिर में पता चल जाएगा। जुलाई में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारी पुलिस करने लगी है। इसे लेकर अफसरों की गोपनीय मीटिंग हो रही है। पिछले 5 वर्षों में कांवड़ यात्रा का डाटा निकाला गया है। देखा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा में पहले कांवड़ियों को किस किस परेशानी से जूझना पड़ता था। साथ ही इस बार कोरोना संक्रमण होने की वजह से कांवड़ यात्रा भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तैयारी में जुट गई है। हालांकि पुलिस अभी सरकार के आदेश का इंतजार कर रही है। एडीजी ने बताया कि 20 जून के बाद धार्मिक स्थलों के बारे में गाइडलाइंस जारी होगी, उसमें ही कांवड़ यात्रा के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कांवड़ यात्रा इस बार होगी या नहीं, कांवड़ यात्रा का भी कलेवर बदला जाएगा या नहीं, कोरोना संक्रमण से कांवड़ियों को बचाने के लिए कांवड़ यात्रा में बदलाव भी आ सकता है। फिलहाल पुलिस के अफसर अपनी पूरी तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले, सभी जनपदों में कांवड़ सेल खोलने के भी आदेश दिए गए हैं। हालांकि एक कांवड़ सेल सरकार की गाइडलाइंस आने के बाद ही खोले जाएंगे। कांवड़ सेल के द्वारा भीड़ बढ़ने वाली स्थितियों के बारे में रिकॉर्ड जुटाया जाएगा। साथ ही पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के लिए चिन्हित करने का कार्य भी जोरों से चल रहा है। इन 3 मंदिरों में विशेष इंतजाम की तैयारी में लगी है पुलिस। मेरठ जोन में विशेष तौर पर 3 मंदिरों पर जल अभिषेक को लेकर भीड़ लगती है। मेरठ के अवारनाथ मंदिर, बागपत के पूरा महादेव मंदिर और गाजियाबाद के दूधेश्वर महादेव मंदिर को लेकर भी प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि सावन के प्रत्येक सोमवार पर उक्त मंदिरों की जल अभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इन्होंने बताया, कोरोना संक्रमण के समय में कांवड़ यात्रा के बड़ी चुनौती के रूप में ले रहे हैं। पुलिस की तरफ से कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अभी सिर्फ 20 जून के बाद जारी होने वाली गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं। उस दिन ही कांवड़ यात्रा के बारे में सरकार निर्णय करेगी। शासन का आदेश मिलने के बाद ही आगे की प्लानिंग की जाएगी। तो भक्तों, कांवड़ यात्रा 2021 की मेरठ और दिल्ली जोन से ये थी पूरी जानकारी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो भक्तों, आज की वीडियो को बस यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें और शिव के नाम पर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कांवड़ यात्रा 2021 की आपको सारी जानकारी हम समय समय पर देते रहेंगे और आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।